मध्य प्रदेश में शिवसेना की स्थापना करने वाली प्रथम उत्तर भारतीय शिव सैनिक मोहन पालीवाल ने शिवसेना की बदलती कार्यशैली को लेकर प्रेस से चर्चा की है। मध्य प्रदेश में शिवसेना की स्थापना करने वाली प्रमुख प्रथम उत्तर भारतीय शिव सैनिक वरिष्ठ शिव सैनिक मोहन पालीवाल जीनीवाला साहब ठाकरे एकलव्य कहकर बुलाती थी। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद शिवसेना की बदलती कार्यशैली को लेकर प्रेस से चर्चा की। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भारत के कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, यूपी आदि राज्यों में शिवसेना की स्थापना की थी, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाल केशव ठाकरे जी ने हिंदुत्व की रक्षा करने, मराठी समाज के उत्थान के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श व सिद्धांतों पर चलते हुए एक अखंड सेना की स्थापना की थी। लेकिन उनके जाने के बाद में शिवसेना ने अपनी पूरी कार्यशैली बदल दी है और मैं आज अपनी ओर से शिवसेना को उत्तर भारत में खत्म मानता हूँ, क्योंकि हमारे द्वारा कई बार इंदौर में उद्धव ठाकरे व महाराष्ट्र के सीएम को कई बार आमंत्रित किया है ताकि उनके द्वारा आकर उत्तर भारत में शिव सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाए और उन्हें एकत्रित किया जाए, लेकिन वह बार बार बुलाने पर भी नहीं आए हैं। इसलिए आज मैं अपनी ओर से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर भारत में शिवसेना खत्म हो चुकी है। उसी को लेकर मेरे द्वारा अभिव्यक्ति साहित्य पर एक डिजिटल पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। तो मेरी मन की भावना थी कि मैं हिंदुत्व के लिए काम करूं, पूरे देश के अंदर ये हिंदुस्तान हमारा है और यहाँ इस प्रकार की गतिविधियां नहीं हो जिससे आम जन परेशान हो, जो लोग कर रहे हैं तो उनकी रोक के लिए इस शिवसेना की स्थापना की गई थी। और लेकिन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे स्वयं नहीं आए, हमारे लाख बुलाने के बाद भी नहीं आए, न दिल्ली का लाल किले पर भाषण हुआ, न संसद उन्होंने देखी। ऐसी स्थिति में हम लोग पूरे हिंदुस्तान के 20 राज्यों के शिव सैनिक जो काम कर रहे हैं उत्तर भारत में, हमारा भविष्य अंधेरे में है। और मैं इन शिव सैनिकों से कहना चाहूँगा कि शिवसेना लड़खड़ा गई है, अब शिवसेना पे से हिंदुत्व का और समाज का विश्वास भी हट चुका है। ऐसी स्थिति में आप लोग यदि उज्जैन से या इंदौर से या भोपाल से लोगों को अंधा चंदा लोगे, कब्जा करोगे जमीन पे, गुंडागिरी करोगे, आपने बोला कि आज शिवसेना का समापन करने आए हो, जी वही उसी पेट्रोल पे जा रहा हूँ मैं, तो ये समापन इसलिए किया है कि अब मध्य प्रदेश में कहीं भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के चित्र यदि आप लगाते हैं तो जनता हंसेगी, उद्धव ठाकरे के लगाते तो हंसेगी, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है और हिंदुत्व की जो ये देश था हमारा शिवसेना का, शिवाजी का जो विचार था, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की हत्या करने वाले महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, चाहे मनोज जोशी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई सांसद हो या एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे को भी समझना होगा कि जिस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हो उस मुद्दे को लेकर आपको चलना होगा, अगले कदम आपको उठाना होंगे। और यदि आप ये चाहते हो कि शिवसेना के आज जो मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं, जो 20 राज्यों में काम कर रहे हैं, यदि इंदौर से शिवसेना की स्थापना हुई थी और बाला साहब राजधानी शिवसेना की इंदौर कहा करते थे, वो नहीं आए, तो उद्धव क्या आप आओगे या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आप आओगे? यदि आप आते हो तो हम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दोनों में से यदि कोई आता है तो शिवसेना मध्य प्रदेश की नहीं पूरे हिंदुस्तान की उनकी हो जाएगी, ऐसा मेरा महाराष्ट्र नेताओं से निवेदन है। और जिस प्रकार से ये शिवसेना चल रही है, लड़खड़ा गई है, अखबारों में यदि आप लोग कहीं भी कुछ भी देखें कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो उसको अवश्य आप लिखिएगा, और एक मेरा लेटर यहाँ के मुख्यमंत्री को भी जाएगा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाएगा, कलेक्टर